रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए पहले हम नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद हमारे पास वाज और वर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। वाज और वर के यूज के लिए मैंने आपको बताया था ही, शी, इट, आई या सिंगल पर्सन के साथ वाज होता है, दे, यू, वर वगैरह के साथ वर इस्तेमाल होता है। जैसे वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। मगर अगर हम इसको नेगेटिव में देखना चाहते हैं, वो नहीं खेल रहे थे या वो खेल नहीं रहे थे, फिर हम दे वर इसके बाद नॉट ऐड कर देंगे, दे वर नॉट प्लेइंग। अली अस्पताल नहीं जा रहा था, अली वॉज नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। वाज के साथ हमने नॉट ऐड कर दिया है। वो फूल नहीं तोड़ रही थी, शी वॉज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। लोग शोर नहीं मचा रहे थे, पीपल वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। बच्चे अपना सबक नहीं याद कर रहे थे, बच्चे चिल्ड्रन वर नॉट याद करने के लिए लर्निंग, Children were not learning their lesson. सबक के लिए lesson. Children were not learning their lesson. अब interrogative sentences देखते हैं। क्या मैं लाहौर जा रही थी? अब जो हमारे पास helping verb was और were होता है, इसे हम sentence के शुरू में ले जाते हैं। Was I going to Lahore? क्या वो चिड़ियाघर जा रहे थे? Were They going to the zoo? Zoo चिड़ियाघर। जाने के लिए हमने go को going चेंज कर दिया है और helping verb को हम शुरू में ले आए हैं। Were they going to the zoo? क्या हम भाग रहे थे? Were we running? क्या आमना अपने हाथ धो रही थी? Was आमना washing her hands? धोने के लिए हमने वॉश वर्ब यूज किया है और उसको वॉशिंग में चेंज किया है। हेल्पिंग वर्ब में हमने इसमें वॉज यूज किया है, वॉज आमना वॉशिंग हर हैंड्स, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। इन सेंटेंसेस के आखिर में क्वेश्चन मार्क का होना बहुत जरूरी है। अब आप इन सेंटेंसेस को याद करें और इसके आखिर में दिए हुए कार्ड्स को फिल करें। थैंक यू।